कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई, तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप। ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप, हाथ जोड़ बोली कन्या सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। जन्म तुम जाके उनके घर, फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया। राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया, त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा। अद्भुत कन्या जन्मी, राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। समझाया अगर अपना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का।
समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता मुझको दे दो आशीर्वाद, प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है यार। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करने लगी प्रभु का ध्यान, अनजल उसने त्याग दिया छोड़े संसारिक काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम
कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। सुनाते हैं माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में एक दिन उठा सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल, क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ। सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ। बोला शीश झुकाकर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना पानी। रोज की तरह किया उन्होंने फिर कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन। हाथ जोड़ कर कन्या से कुछ पूछन चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज, कठिन परीक्षा है मेरी मुझको लगता है आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया, भैरोनाथ का डेरा भी था रस्ते में पाया। हाथ जोड़ कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा, सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरोनाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया, फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर बतला
सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बात बताने लगा। बोले गोरखनाथ कि देखे कौन है वो कन्या। कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे। देखते हैं वो कैसे हमको करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए। बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। हाथ पकड़ना सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। Thank you.
सीस झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।